दीपावली के बाद आने वाले छठ पर्व को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं इंदौर से बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में चलने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने में कोई भी परेशानी ना हो। दिवाली के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के लिए देश के कोने कोने से लोग अपने घर जाते हैं। छठ त्यौहार के मद्देनजर भारतीय रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है। वहीं इंदौर से चलने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। रेलवे PRO खेमराज मीना ने कहा है कि दीपावली के 6 दिनों बाद उत्तर भारतीयों का महापर्व छठ पूजा मनाया जाता है, जहाँ बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश की चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त कोच भी जोड़े गए हैं ताकि यात्रियों को ट्रेन में सफर करने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, हमारे यहाँ पे क्या है कि फेस्टिवल जो है का वो चल रहा है, अभी छठ पर्व भी है, तो हम लोगों ने क्या है कि एक कैंपेन चलाया है। इसमें 1 नवंबर से और 16 नवंबर के बीच में तकरीबन आधा दर्जन प्रकरण हम लोगों ने पकड़े हैं। पूरे डिवीज़न की बात की जाए तो उसमें तकरीबन 800 ट्रेनों को चेक किया गया है। तो इस तरह से स्क्वाड के थ्रू RPF और हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ है, इसको पूरा चेकिंग कर रहा है, ताकि क्योंकि ट्रेन में क्या है कि इस तरह का जो ज्वलनशील पदार्थ, पटाखे या सिगरेट या फिर केरोसिन, ये इस तरह की जो चीज़ें कैरी करते हैं, इनको पैसेंजर को समझाने के लिए सेमिनार भी किए गए हैं, कैंपेन भी चलाए गए हैं, और दूसरे जो अनाउंसमेंट सिस्टम के थ्रू और हमारे सोशल मीडिया टीम ने भी इस पे काम किया है। तो इस तरह से हम लोग ये जो है ज्वलनशील पदार्थ और जो जो भी कैरी करते हैं इस तरह का जो जो विस्फोटक पदार्थ, तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी इंतजाम किए हैं। इसके अलावा दूसरी छठ पूजा पे हम लोगों ने भीड़ क्राउड मैनेजमेंट के लिए RPF की तैनाती की है, और दूसरे जो फ्रंटलाइन स्टाफ है उसको भी सचेत किया है, और यात्रियों से भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि इस तरह की जो ज्वलनशील पदार्थ विस्फोटक सामग्री ना ले जाएँ, क्योंकि 1989 के तहत इस तरह की जो विस्फोटक सामग्री ले जाता है तो उसके लिए जेल और दूसरा भी प्रावधान है।